सो हाय गाइज, वेलकम टू जे के डी सिन फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयेश कुमार, और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक एयर माउस यानी कि एक ऐसा वायरलेस रिमोट कंट्रोल जो कि बिना बैटरी से चलता है, यानी कि यहां पर आपको सेल बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर है दोस्तों पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम बात कर लें यहाँ पर और अलग अलग एयर माउस रिमोट के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने यहाँ पर ये विजोन का एयर माउस दिखाया था आपको, पूरा कीपैड के साथ में दोस्तों मिलता है, और इसके अंदर लर्निंग कीज़ भी दी जाती है जिसकी मदद से हम टीवी या फिर सेट टॉप बॉक्स के बटन, होम थिएटर वगैरह बटन यहां पर पेयर कर सकते हैं, और साथ में रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कीबोर्ड की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और एक एयर माउस की तरह भी इसे चला सकते हैं। तो ये एक लर्निंग प्लस एयर माउस रिमोट है। और दूसरा दोस्तों यहां पर हमारे पास अवेलेबल है हुआयू का ये लर्निंग रिमोट, तो ये भी एक लर्निंग रिमोट है। यहाँ पर हमें अलग अलग तीन टाइप के रिमोट पेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी, एसटीवी, डीवीडी, और यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि टीवी में टीवी ही पेयर कर सकते हो, एसटीवी में एसटीवी ही पेयर कर सकते हो, कोई भी अलग अलग तीन डिवाइस आप यहाँ पर तीन रिमोट इस रिमोट के अंदर बना सकते हो। तो ये भी एक लर्निंग रिमोट है, फुल लर्निंग रिमोट है दोस्तों ये, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों ये काम करता है। और दोस्तों एक यहाँ पर हमारे पास आता अवेलेबल रहता है जो कि 8-in-1 रिमोट कंट्रोल है। तो ये रिमोट दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेंड इसके बारे में भी पूछ रहे हैं। तो ये रिमोट जो है वो दोस्तों अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी, डीवीडी, सेट, वीसीआर, और इस तरह से यहाँ पर चार अलग अलग रिमोट पेयर हो जाते हैं, प्लस शिफ्ट बटन के साथ यहाँ पर हम बटन दबाएंगे तो और चार यहाँ पर रिमोट पेयर होंगे, यानी कि टोटल इसके अंदर 8 रिमोट कंट्रोल जो है वो आप पेयर कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लर्निंग रिमोट कंट्रोल हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों एक रिमोट आता है यहाँ पे, एक लिरिफल का यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल, जिसके एक रिमोट के अंदर ही अलग अलग 6 टाइप के रिमोट हमें मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो STB1, STB2, STB3, 4, 5 और 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस रिमोट की अगर हम बात करें तो ये कोई लर्निंग रिमोट नहीं है, एक पहले से ही मतलब दिया हुआ रिमोट है, यानी कि अलग अलग यहाँ पर आप MPG2 सेट ऑफ बॉक्स, MPG4 सेट ऑफ बॉक्स हो, सॉलिड का हो, विजोन का हो, कोई भी कंपनी का, मतलब आपके पास NK का हो या फिर 6605 पगारिया, कोई भी सेट ऑफ बॉक्स हो, इसके अंदर आप इस रिमोट का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको एक बटन को प्रेस करना है और रिमोट आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी बटन पेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है, और अलग अलग 6 रिमोट इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, तो ये रिमोट है यहाँ पे एयर माउस, यानी कि दोस्तों इस रिमोट की क्या यूज़ हो सकते हैं ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.4 GHz वायरलेस एक एयर माउस इसको बोल सकते हो आप, और यहाँ पर दोस्तों एयर माउस विथ क्या लिखा है यहाँ पे QWRT वाला कीबोर्ड इसके साथ मिल जाता है, कंपेटिबल है विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक OS और लिनक्स के साथ, ठीक है। और फुल्ली दोस्तों ये वाईफाई के थ्रू चलता है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा आप देख सकते हो, यहाँ पर आप स्मार्ट टीवी में चला सकते हो, PC में चला सकते हो, एंड्रॉयड TV बॉक्स हो, माउस की तरह यूज़ कर सकते हो, टैबलेट में चलाना हो, गेम पैड हो आपका या फिर कीबोर्ड, इसी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है, तो देख सकते हो छोटा सा यूजर मैनुअल, छोटी सी केबल भी मिल जाती है जो कि इसको चार्ज करने के लिए मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इस रिमोट को आप AAA साइज़ की बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ इस तरह का रिमोट है, और साथ में एक चिप मिल जाती है, और इस चिप को हमें जिस भी डिवाइस में लगाना है वहाँ पर हम इसको लगा सकते हो। तो यह रिमोट की बात करें दोस्तों तो क्वालिटी वाइज बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर वॉल्यूम, माइनस, प्लस, पावर बटन है, ओके है, और एक यहाँ पर राउंड बटन है जो कि चारों तरफ से वर्किंग है, और एक माउस का बटन है यहाँ पे, और होम का बटन, बैक का बटन और मेन्यू का बटन है, और यहाँ पर दोस्तों एक ग्रीन लाइट, जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती है। और पीछे दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर फुल्ली कीबोर्ड दिया गया है, तो पूरा कीबोर्ड दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिक कीबोर्ड दिया गया है, यहाँ अल्फाबेटिक भी यहाँ पर है, एंटर है, सब कुछ यहाँ पर हमें कंट्रोल शिफ्ट टैब मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह का रिमोट है, ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे इसका सेंसर, ठीक है,
और बाकी कुछ इस तरह का रिमोट है। अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हमारे डिश टीवी के जो एंड्रॉयड बॉक्स है उसके अंदर चेक करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा डिश टीवी का एंड्रॉयड बॉक्स है इसके अंदर सिंपली यहाँ पे प्लग इन करते हैं। तो रिमोट को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये चिप को USB सॉकेट के अंदर इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे और बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये सपोर्ट कर लेता है। तो टीवी के अंदर हम अभी कर लेते हैं यहाँ पे HDMI 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ये गा गया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस रिमोट को चेक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो रिमोट किस तरह से यहाँ पे माउस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर बटन भी इसके आप देख लीजिए, यहाँ पे बटन भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। और कहीं पर मुझे यहाँ पर मान लो क्लिक करना है या फिर इस सेटिंग में जाना है या फिर प्लस दबाना है तो सारा यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर। अगर मान लो मैं आपको कुछ टाइप करके भी दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे टाइप करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ JK डिश, ये देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों आ गया है लिख के, और इस माउस की वजह से मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए अगर ये डाउन बटन प्रेस करेंगे तो नीचे इस तरह से जा रहा है, ये देखिए देखिए कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, इस क्रोम में ही ओपन करना है तो इसके लिए मैंने क्रोम सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो रिमोट दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है, लाइट वेट है और एंड्रॉयड टीवी में काफ़ी अच्छी तरह से ये आपको एक्सपीरियंस देगा। और बाकी अब अगर बात करें हम PC की, तो यहाँ पर हम PC में भी इसको एक बार चेक करके ही देख लेते हैं। तो PC में भी आपको सिर्फ यहाँ पर USB में सिंपली इसको लगा लेना है, और यहीं पर मैं कर लेता हूँ PC को सिलेक्ट, और ये देखिए यहाँ पर हमारा PC ऑन हो गया है। और यहाँ पर एक बार अगर ये बटन दबाएंगे हम रिमोट का, ये वाला रिमोट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर आ गया है। तो अब यहाँ पर से कुछ भी हमें ओपन करना है या फिर आप देख लीजिए ब्राउज़र ओपन करना है, मैं PC ओपन करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और ये क्रोम, और यहाँ मान लो कि मुझे कुछ सर्च करना है तो सिंपली यहाँ पर से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी दबा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से वर्क करता है। और रिमोट एयर माउस काफ़ी बहुत बढ़िया चलता है, ये देख लीजिए यहाँ पर कोई भी आप कहीं पर भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है ये देखिए, ठीक है। तो ये रिमोट दोस्तों अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी तो मुझे यहाँ पर पर्सनली अभी यूज़ करने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये एक रिमोट का भी काम करेगा और साथ में एक कीबोर्ड का भी काम करेगा, यानी कि अगर आप PC वगैरह यूज़ करते हो तो आपका पूरा कीबोर्ड माउस दोनों की जगह ये एक ही रिमोट जो है वो पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो ये रिमोट है एयर माउस, और ये आप देख सकते हो और इस तरह का इसका बॉक्स है, ठीक है। तो बस दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और इनमें से कोई भी रिमोट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।